गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आपके पास अब ये अपनी आर्ट बुक पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी आप अपने आपके पास ड्राइंग कलरिंग बुक होगी इस तरह की। ये ड्राइंग कलरिंग बुक आप लेंगे और इसमें पेज नंबर 4 निकालेंगे। इसको आपको ड्रॉ करना बताऊंगी कैसे ड्रॉ किया जाता है। फर्स्ट आपको ये बकेट बनाना सिखा रही हूँ। इसमें आपको फर्स्ट आपको ये ऐसे स्ट्रेट लाइन एक खींचनी है स्केल से, फिर एक बिग लाइन खींचेंगे, उसकी 1 इंच जगह छोड़ के 3 इंच का ये खींचेंगे लाइन, फिर 2-3 इंच छोड़ के फिर यहाँ पे 2 इंच की ऐसे सेंटर में लाइन ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे ये आपको पूरा ये ओवल बनाना है यहाँ पे बकेट का, जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करनी है। ऐसे बकेट बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक राउंड है बकेट का ऐसे देंगे, और फिर इसके साथ इसको ये देखिए ऐसे ये मिला दिए, फिर इसमें एक लाइन और देंगे जो ऊपर में रहती है बकेट के ऊपर इस तरह से, और फिर इसकी हैंडल बनाएंगे ये हैंडल बना देंगे और इस तरह से। फिर आपको ये डॉट से डॉट सारी मिलाना है इसको, इसको पूरा डॉट से डॉट आप मिला लेंगे, फिर इसमें कलर करेंगे। और पहले ये आप ड्राइंग करना सीखेंगे, उसके बाद आप ये डॉट से डॉट पहले पेंसिल से या स्केच पेन ब्लैक स्केच पेन से भी आप कर सकते हैं। इसको ऐसे डॉट से डॉट पूरा आपको मिलाना है। इस तरह से आपकी बकेट तैयार हो जाएगी, फिर आपको इसमें कलर करना है। अब इसमें कलर करना है पर्पल कलर करना है, कोई भी आपकी जो इच्छा जो कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट लाइट कलर करेंगे उसके हैंडल में, या डार्क भी कर सकते हैं। ये एम्प्टी बकेट है, अच्छे से कलर करेंगे आप, बड़े बच्चे हैं थोड़े से, और ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर करेंगे और एक ही साइड से ही करेंगे, सब साइड से नहीं करेंगे। ऐसे स्लीपिंग कर रहे हैं तो स्लीपिंग ही करेंगे, स्टैंडिंग करेंगे तो स्टैंडिंग ही करेंगे। ऐसे पूरी बकेट में पर्पल कलर की बकेट है ये आपकी, आप इसमें रेड ग्रीन येलो कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर, फिर आप इसको स्टैंडिंग में कर सकते हैं। यहाँ वाली लाइन भी थोड़ी सी डार्क कर देंगे जिससे अच्छा लगेगा। इस तरह से आपकी बकेट पूरी हो गई है। आप समझ गए इसको कैसे करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट लाइन, फिर इसको ऐसे एक बिग लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर जगह जितनी छोड़ के फिर इसकी ये ऐसे स्मॉल लाइन खींचेंगे, फिर आपको ये सर्कल बनाना है ओवल बनाना है। तो ये आप ऐसे इस तरह से इसको ओवल बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा राउंड देना है आपको इस तरह से राउंड दिया, फिर आप इन दोनों को ऐसे मिला देंगे और ये वाली इरेज कर देंगे लाइन, ये सारी जो लाइन है इसको इरेज कर देंगे। ये आपकी बकेट तैयार हो गई। तो यहाँ पे एक लाइन और आपको इसके बगल में ही एक ऐसे लाइन देनी है, और फिर यहाँ पे हैंडल के लिए ऐसे करेंगे और यहाँ से इस तरह से आपका हैंडल हो गया। तो ये ऐसे बकेट आपको ड्रॉ करनी है। फर्स्ट आप इसी स्टेप पे इसी
लाइन से ही आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर डॉट से डॉट मिला करके फिर इसमें कलरिंग करेंगे। इसके हैंडल को भी थोड़ा आप डार्क कर सकते हैं जिससे कि वो दिखे आपको। आपको ड्राइंग को पूरी फॉलो करना है यहाँ पे, जैसे बनाया हुआ है उस तरह से फॉलो करके ड्रॉ करके फिर इसमें कलर करना है।